हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग सीखते हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग में पार्टनरशिप चैप्टर को। तो आइए देखते हैं इस पार्टनरशिप चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। इससे पहले आप इससे इस ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का, कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स का, हमारे बुक मैथ्स जीरो लेवल का ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले तीन चैप्टर निकल चुकी है जो कि है परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट और डिस्काउंट चैप्टर। ये चौथा चैप्टर है परसेंटेज ग्रुप का और ये परसेंटेज ग्रुप में टोटल छः चैप्टर है। इसके बाद कोई और ग्रुप स्टार्ट होगी। तो आइए फिलहाल चौथा चैप्टर को हम लोग देखते हैं। ये है चौथा चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। जैसे देखिए हमने बिजनेस रिलेटेड जो चैप्टर था वो लॉस एंड प्रॉफिट था, डिस्काउंट था, और ये पार्टनरशिप है ये भी एक तरह से मुझे बिजनेस से रिलेटेड चैप्टर ही है। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ खास बातें, इसमें है क्या। तो यह एक बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस। आप भी कभी लाइफ में पार्टनरशिप पे बिजनेस करिएगा तो इसका हिसाब किताब बिल्कुल सही सही आपको रखना पड़ेगा। तो उसी के बारे में ये, अगर आप इस चैप्टर का चीज़ें सीख जाते हैं तो आप कभी भी कहीं भी किसी पार्टनर के साथ धोखा नहीं खा पाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है कि बिजनेस का क्या फंडा है। बिजनेस में क्या होता है कि हम कुछ पूंजी इसमें लगाते हैं, यानी कि अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। पूंजी लगाने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमको प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंपनी एक ही होती है या फिर फंडिंग एक ही होती है, लेकिन उस पूंजी को तीन चार दोस्त एक साथ मिलकर के लगाते हैं। उस पूंजी में मान लीजिए इसमें इस पूंजी में तीन दोस्तों का हिस्सा लगा हुआ है और इसके बाद जो लाभ मिलता है ये लाभ जो है प्रॉपरली लोगों तक कैसे पहुंचेगा। अब इसमें कि अब बराबर बराबर भी तो नहीं बांटा जा सकता है। अब देखिए जब पूंजी लोग बराबर भाग मतलब कि बराबर 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 पूंजी लगाएंगे वहां पे तभी प्रॉफिट में बराबर हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन अब क्या होता है प्रॉब्लम कि दो तीन व्यक्ति हैं, सभी ने अलग अलग पूंजी लगाया, अलग अलग समय के लिए लगाया, उसके बाद उसको लाभ मिला। उस लाभ में से बिल्कुल एक्यूरेट हिस्सा किसको कितना मिलना चाहिए, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। तो इसी चीज़ की गणना हम लोग करेंगे पार्टनरशिप चैप्टर में, यही चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो ये लाभ और ये जो लाभ होता है इसमें से बंटवारा कैसे होगा पैसों का, ये आखिर सबके पास जितना पैसा लगाया उसी अनुपात में सबको लाभ यानी प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा बेईमानी भी कर सकता है, उसको कम भी मिल सकता है। तो इसी चीज का हम लोग लेखा जोखा करेंगे इस वीडियो में। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होगा वो होगा 42 यानी 42 क्वेश्चन, और इसी 42 क्वेश्चन में सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं यानी हिस्सा। तो इसमें सबसे पहले अनुपात क्या करते हैं, पूंजी गुना समय यानी उसका जो आमदनी होगा, हिस्सा जो होगा, हिस्सा कैसे आएगा, पूंजी गुना समय अनुपात। ये जैसे कि मान ली पहला ए दोस्त का है, फिर दूसरे का पूंजी गुना समय, ये दोनों के बीच में अनुपात, ये मान लीजिए बी का है तो दोनों के बीच में अनुपात निकाल लेंगे। और इस अनुपात का मान लेते हैं जो इसका जो अनुपात निकलेगा वो अगर 3:4 निकलता है, इसका मतलब क्या होगा, ए का हिस्सा 3 है और बी का हिस्सा 4 है। तो यानी 3:4 ए और बी के जो लाभ का अनुपात होगा वो 3:4 में होगा अगर, तो इसमें ए को कितना रुपया मिलेगा इसका कैसे पता लगाएंगे। अगर यहाँ से हम लोग को एक्स रुपया हासिल होता है तो देखिए इसको क्या करते हैं, अगर हमको ए का हिस्सा निकालना है तो a बट्टा टोटल a प्लस बी हमको करना पड़ेगा, यानी कि 3:3+4 हमको करना पड़ेगा, यानी क्या हुआ 3:7 हो गया। और लाभ हमको कितना मिला था, x रुपया, तो गुना x कर लेंगे। तो यही पूरा फंडा है, इसी पर पूरा चैप्टर बनेगा, ना कोई हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करें, ना कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला, बस इसी फंडे पर, यानी हमको बस अनुपात निकालना है, पूंजी गुना समय करके अनुपात निकाल करके पूरा चैप्टर को हम इजिली बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और देखते हैं उसमें क्या होता है। उससे पहले जान लीजिए साझेदारी दो तरह की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी साझेदारी होती है। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप देखिए दो तरह की होती है। एक होती है सरल पार्टनरशिप, सरल साझेदारी,
यानी कि सिंपल। जैसे कि इसमें क्या होता है कि सरल साझेदारी में क्या होता है, समान पूंजी समान समय के लिए लगाई जाती है, यानी एक समान जो जो भी पूंजी होगा समान पूंजी, यानी पूंजी जो है वो बिल्कुल एक निश्चित समय के लिए लगाई जाएगी। जैसे कि 20,000 रुपया एक दोस्त ने लगाया और दूसरे दोस्त ने 15,000 रुपया लगाया और दोनों बिल्कुल सेम समय के लिए लगाया, बिल्कुल एक ही समय के लिए, एक साल के लगाया या फिर 2 साल के लगाया या फिर 5 महीने के लगाया फिर 2 महीने के लगाया, बिल्कुल इसमें टाइमिंग बिल्कुल सेम होती है। दोनों दोस्त का जो पूंजी है वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक ही जैसा समय पे लगता है, उसके बाद जो वहाँ से प्रॉफिट मिलता है तो इसको बस डायरेक्टली पूंजी का अनुपात निकालने पर हमको निकल जाएगा आमदनी का अनुपात, जो कि 4:3 निकलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग सरल साझेदारी। एक होती है मिश्र साझेदारी। मिश्र साझेदारी क्या होती है, इसमें क्या है 3 या 4 पार्टनर या फिर दो से ज्यादा पार्टनर जो होते हैं अलग अलग पूंजी तो लगाते ही हैं, प्लस में अलग अलग समय के लिए भी लगाते हैं, तो उसको कैलकुलेट करना बस थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन होता बिल्कुल सिंपल ही है। तो आइए उसी को हम बिल्कुल सिंपलीफाई करके सीखते हैं और आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। उससे पहले हम लोग जानते हैं एक चीज और, हिस्सा कैसे निकलता है। हिस्सा जैसे कि देखिए ए और बी, यानी कि दो व्यक्ति है, दोनों का जो अनुपात है 4:3 है, तो बी का हिस्सा कैसे निकलेगा। बी का हिस्सा बराबर, बी का हिस्सा बराबर क्या निकलेगा, तो 3 बट्टा 3+4 कर देंगे 7 इतना। अब ये हिस्सा किसमें से लेगा, तो मान लीजिए जो भी इसका पूंजी होगा मतलब जितना जो लाभ होगा प्रॉफिट, तो उस लाभ में इसको गुना करने पे वो बी का हिस्सा निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग हिस्सा निकालेंगे और जितना भी क्वेश्चन होगा सब में आपको हिस्सा निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग। आप लोग प्लीज बताइए स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आपको सब कुछ बिल्कुल समझ में आ रही होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे आपको डेली मिलती है एक एक चैप्टर क्लासेज और इस हम आपको जितना सिंपलीफाई करके बताते हैं उतना सिंपल में शायद कोई नहीं बता पाएगा। इतना सिंपल मैं बताता हूँ कि एक जीरो लेवल स्टूडेंट भी आसानी से पूरा मैथ सीख सकता है। जैसा कि अब तक हमने 3 चैप्टर को निकाला, मैंने कहीं पर भी एक्स्ट्रा मैंने ट्रिक का कहीं यूज ही नहीं किया। सोचिए बिना ट्रिक का पूरा मैथ बनाना कितना अमेजिंग सा है, और ये सब चीज़ बिल्कुल पॉसिबल हो पाया है आपकी मदद से, हमारे मेहनत की मदद से। मैं काफ़ी दिनों से पढ़ाता हूँ। तो चलिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग को आप सपोर्ट कीजिए और इसको दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मतलब वीडियो को शेयर नहीं करना है, दोस्तों को बताइए कि स्मार्ट वीडियो कोचिंग ज्वाइन कर लो, तुम भी पढ़ के आसानी से नौकरी ले सकते हैं। और जो लोग स्मार्ट वीडियो कोचिंग में जुड़े हुए हैं और हार्ड कॉपी में हमारा नोट्स नहीं लिए हैं, वो लोग भी आप नोट्स मंगवा लीजिए। आप लोग अगर स्मार्ट वीडियो कोचिंग पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स पे 500 रुपीज़ तक की आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, इसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं आपको इसमें क्या सब कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी ने, यानी 3 व्यक्ति है, ए है बी है और सी है, क्रमशः 26,000 रुपया 34,000 रुपया और 10,000 रुपये निवेश के साथ साथ एक व्यवसाय शुरू किया, निवेश किया और एक व्यवसाय यानी बिजनेस शुरू किया। वर्ष के अंत में यानी 1 साल के बाद 3500 का लाभ हुआ, 3500 रुपया इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते तीन जो पार्टनर है ए बी सी, तीनों का जो पैसा है वो बिल्कुल समान समय बिल्कुल सेम टाइम के लिए लगा है इसमें, तो यहाँ पे टाइमिंग कोई मैटर नहीं है, बिल्कुल सरल मतलब सरल साझेदारी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब सरल साझेदारी हो सरल साझेदारी मतलब क्या होता है, सिंपल पार्टनरशिप हो, सिंपल पार्टनरशिप में सभी का जो पैसा होता है वो बिल्कुल सेम टाइम के लिए लगता है, जैसे 12 महीना 12 महीना 12 महीना। यहाँ पे क्या बोला, वर्ष के अंत में यानी 1 साल के बाद, तो सबका टाइम मतलब टाइम क्या है 12 महीना। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पूंजी का अनुपात हम लोग निकालते हैं। तो क्या निकलेगा आपका, 26,000 अनुपात 34,000 अनुपात 10,000। ये ए बी सी है, ठीक है, आप लोग ए बी सी ध्यान रखिएगा इतना है। तो इसको देखिए कैसे, अब देखिए अनुपात मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब होता है भाग देना या फिर बट्टा करना, भाग देना।
तो चलिए इसमें हम कटा सकते हैं, इसको आपस में कट, ये समझे कि इसके बट्टा में ये है, इसके बट्टा में ये है, तीनों आपस में कटेगा। तो देखिए, तो कैसे कटा सकते हैं आप लोग, कॉमन लेकर कटा सकते हैं। कैसे कटा सकते हैं, कॉमन लेकर के। तो देखिए, तीन जीरो से इस तीन जीरो कटा सकते हैं और इस तीन जीरो, ये तीन जीरो आपस में कटेगा। देखिए इसमें क्या हो, जैसे कि देखिए दो बट्टा चार लिखते हैं ना, दो बट्टा चार लिखते हैं, तो इसको क्या कर, तो दो एकम दो, दो दुना चार। अब अगर इसी को दो बट्टा चार बट्टा छः अगर लिखेंगे तो जब भी कटेगा तो तीनों एक साथ कटेगा, दो एकम दो, दो दुना चार, दो तिया छः, यानी कि एक बट्टा दो बट्टा तीन, यानी कि एक अनुपात दो अनुपात तीन। तो इसको कटाने का नियम ये है, जब भी तीनों कटेगा तो बिल्कुल सेम कटेगा, ऐसा नहीं कि इसका तीन जीरो, इसका तीन जीरो कट गया, इसका हम छोड़ देंगे, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भाग अनुपात मतलब होता है भाग देना, जैसे कि ए अनुपात बी का मतलब क्या हुआ, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी। उसी तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी का मतलब क्या हुआ, ए बट्टा बी बट्टा सी, तीनों आपस में कटेगा। वैसे इस तरह का पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसको इस तरह से मान करके तीनों को आपस में कटे, जब देखें जब दो को कटा सकते हैं तो तीन को भी कटा सकते हैं, तीनों को कटा सकते हैं तो चार को भी कटा सकते हैं, तो वही अनुपात को सिंप्लीफाई करने का तरीका हुआ। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं क्या होता है। आप लोग को बिल्कुल कटाने आ गया होगा, कॉमन चीज़ों को आपस में कटा सकते हैं। देखिए कट गया तीनों, अब देखिए फिर ये कटेगा आपस में दो से, तो तेरह दो से सत्रह, दो से पाँच, तीनों कटेगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब देखिए तेरह अनुपात सत्रह अनुपात पाँच आया, ये क्या है, ये जो है वो ए अनुपात बी अनुपात सी के बराबर है। अब यहाँ पे क्या पूछता है, अब पूछता है क्या, वर्ष के जो अंत में है, वर्ष के अंत में इसमें 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए तीनों ने मिलकर के एक बिजनेस शुरू किया और साल के अंत में 3500 का प्रॉफिट कमाया, यानी इतना का लाभ हुआ। तो इस बिजनेस में बताइए तीनों का अलग अलग तो हिस्सा होगा, क्योंकि तीनों ने अलग अलग तरह से पैसा लगाया है। किसी ने कम पैसा लगाया उसको कम पैसा मिलना चाहिए, किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इसका हिस्सेदारी एक्यूरेट कैसे आप लोग निकालिएगा, वही चीज़ हम लोग सीखते हैं पार्टनरशिप चैप्टर में। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है, यानी बी का ये है ना, बी इसका भाग कहाँ पे है, ये 17, यानी ये 17 भाग किसका, बी का है। अब देखिए ध्यान से देखिए बी का हिस्सा कैसे निकालते हैं, बी का हमको हिस्सा निकालना 17 है, तो 17 को आप लिखिए ऊपर बट्टा कीजिए, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए आँख बंद करके, 13 प्लस 17 प्लस 5, ये हुआ बी का हिस्सा, और गुना कर दीजिए जो प्रॉफिट टोटल है उसमें 3500। अब इसको आप निकाल लीजिए, 17 5 22 22 और 13 कितना हुआ, 22 और 13 35, तो 17 बट्टा 35 गुना 3500, इससे ये कट गया 100 टाइम, तो बराबर 1700। 1700 जो होगा किसका हिस्सा होगा, वो होगा बी का हिस्सा। तो आपने क्वेश्चन नंबर एक देखा, इसी तरह से हम पूरा का पूरा चैप्टर को इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनाएंगे इसमें मैंने आपको लगता है सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपका इसमें क्लियर नहीं हुआ तो इसको, इस क्वेश्चन को फिलहाल दोबारा देखिए रिप्ले करके, और चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो देखिए क्या कहता है, रवि प्रकाश और किसलय एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा वे क्रमशः 27,000 36,000 42,000 निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल 7,000 का लाभ हुआ तो उसमें से किसलय का हिस्सा कितना होगा। तो बस तीनों का निकाल लेना है, कैसे कैसे हैं, 27,000 36,000 42,000, 27,000 36,000 और 42,000। एग्जाम में समय बचाने के लिए 27, 36 और 42 भी ले सकते हैं, इतना चीज़ को आप मन में ही कटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है तो सबको लिखना पड़ेगा। ये तीनों का हिस्सा है, तीनों को याद रखें ध्यान से, तीनों जीरो आपस में कट जाएगा, 27, 36 और 42, ये देखिए किसी से कटेगा क्या, वो तीन से कटेगा, 3 9 27 12 3 36 और 3 से 14 3 42, अब नहीं कटेगा। तो क्या आया, 9 अनुपात 12 अनुपात 14, अब किसका किसका है, रवि
रवि, प्रकाश और किसले। अब क्या पूछा इसमें, किसले का हिस्सा कितना, ये 14 वाला का हिस्सा क्या होगा, तो 14 बट्टा तीनों को जोड़ लीजिए क्या होगा, यहीं पर जोड़ लीजिए, 12 और 9 कितना होगा, 9 अधो 11 यानी कि 21 प्लस 14 यानी 35 हुआ। और टोटल देखिए इसमें जो उसको लाभ हुआ था वो हुआ था 7000 का, 7000 का प्रॉफिट हुआ टोटल। तो इसमें से हम लोग इसका हिस्सा निकाल लेते हैं, 35 दूना 200, देखिए 14 दूना 28 यानी कि 2800 रुपये जो होगा वो किसले का हिस्सा होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीन हिस्सेदार ए बी एवं सी अपने व्यापार में क्रमशः 34000, 26000 और 10000 की पूंजी लगाते हैं। 34000, 26000 और 10000 की पूंजी लगाते हैं, कुल लाभ 17500 में ए का हिस्सा कितना होगा। इससे आप कटा सकते हैं आपस में, फिर ये दो से भी कटेगा तो 17, 13 और 5 यानी कि 17:13:5 होगा। तो अब इसमें ए का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे ए का भाग तो 17 है, तो 17 बट्टा 17 और 13 कितना, 30 और 5 35 और गुना गुना 17500, 17500 का टोटल इसको लाभ है। तो इसको कैसे निकलेगा, 30 50 150, ये 5 टाइम में कट जाएगा यानी कि 500, 17 50 85, 8500 रुपये होगा, किसका हिस्सा होगा, वो होगा ए का हिस्सा। चलिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह सीख गए होइएगा, इसी तरह से सबका सब क्वेश्चन बनेगा आपको आसानी से। तो चलिए हम लोग आगे के और क्वेश्चन को देखते हैं, ये कटेगा आपस में 8 से, 8 5 40, 8 को 3 टाइम, 8 को 4 टाइम, 5 3 और 4, 5:3:4 निकल गया। इसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है, विकास का हिस्सा, अनिल मनोज और विकास, विकास यानी कि 4 होगा, तो क्या करेंगे, 4 बट्टा 5 3 8 4 12, और टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ है 7200, 12 6 72, 6 6 2400, 5 देखते हैं, राम श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं, उसकी पूंजी का अनुपात 3:3:4:7 है, यदि उसका वार्षिक लाभ 21000 है तो उस लाभ में कमल का हिस्सा क्या है। देखिए 3:4:7 है, यहाँ पे देखिए राम श्याम और कमल है, राम है श्याम है और कमल है, तो कमल का हिस्सा 7 है, तो यहाँ पे आपको अनुपात निकालने की भी जरूरत नहीं है, अनुपात आपको डायरेक्ट निकाल के ही दिया है। तो क्या करते हैं, 7 बट्टा 4 3 7 7 14 और गुना टोटल किसका कितना हिस्सा है, 21000 रुपया टोटल इसको आमदनी है, इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। तो 7 7 7 7 2 14 2 से 10.5 हज़ार बराबर 10500। चलिए ठीक है, मिल गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सबका सब क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगा, तो आप लोग इसको बनाइए और रिपीट कीजिए चैप्टर को, फिर आप देखिएगा इजीली आप बना पाएगा सबका सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, इसमें पी क्यू व आर क्रमशः 500 600 300 700 का निवेश करते हैं, 500 600 30 और 700 रुपये का वो निवेश करते हैं, और इसके बाद पी को जो है 75 रुपये का हिस्सा मिलता है। तो सबसे पहले तीनों के बीच में अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात क्या होगा, 50:63:70 होगा। इसमें देखिए पी क्यू और आर है, ये है पी क्यू और है आर, पी को जो हिस्सा मिलता है वो कितना हिस्सा मिलता है, पी को मिलता है 75 रुपये का हिस्सा, 75 रुपये जो है वो किसके बराबर होगा, यानी कि 50 बट्टा 50 और बट्टा तीनों को जोड़ते तो कितना आएगा, 7 6 13 13 और 5 18 183 183। अब इसको 50 बट्टा इतना और गुना एक्स, ये निकला क्या टोटल, कितना रुपया में से 75 रुपया इसको हिस्सा मिला है।
तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको कटा सकते हैं 25 से, 25 को तीन टाइम में, 25 को दो बार में, तो x बराबर क्या होगा, 183 को तीन से गुना कीजिएगा बट्टा में दो कर लीजिएगा, तीन तिया नौ, अठारह तिया चौवन, बट्टा में दो, तो यानी कि ये आपका निकला टोटल हिस्सा, यानी कि 274.5 रुपया टोटल हिस्सा है। अब पूछ किसका रहा है, तो Q का हिस्सा पूछ रहा है, Q का भाग कितना है 63 है, 63 है ना, तो अब जानते हैं, तो 63 बट्टा 183 अगुना 274.5। चलिए इसको तीन बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, 63 183 नहीं कटेगा, तो इसको कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। इतना को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 94.5 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आपको करना होगा। यहाँ पे आप पॉइंट को हटा दीजिएगा, आप यहाँ 549/2 है इसी का यूज कीजिएगा, तो 549/2 है, 183 को दो से गुना करिएगा, 63 को इतना से गुना करिएगा, फिर दोनों को भाग देने के बाद इतना आएगा। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, इतना कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, एबीसी ने क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 का निवेश किया। 27,000, 81,000 और 72,000 का निवेश किया, एक दुकान की शुरुआत की, एक वर्ष के बाद कुल लाभ में से बी को उसके हिस्से के रूप में 36,000 मिलता है, तो कुल कितना लाभ हुआ। जो टोटल लाभ होता है वो बी को मिलता है 36,000, तो हम पहले निकालते हैं, ये 9 से भी कटेगा, तो 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72, यानी कि अनुपात क्या निकला, 3:9:8। ये किसका किसका अनुपात है, ए बी सी का, ए का, बी का और सी का। अब देखिए यहाँ पे बी को मिलता है कितना हिस्सा, बी को मिलता है 36,000, तो 36,000 जो है ये है बी का हिस्सा, 36,000 बी का हिस्सा, बराबर बी का हिस्सा 9 हो गया, तो 9 बट्टा 9 8 17 3 20। आइए टोटल हिस्सा मान लेते हैं, टोटल लाभ है 100 रुपया, इसमें से हम लोग निकालते हैं, तो 9 4 36 यानी कि 4,000, तो x बराबर 4 2 8, x बराबर 4 2 1 2 और 3, 80,000 रुपये टोटल लाभ है। अब क्या, तो कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ आपका 80,000 निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, x और y क्रमशः 45,000 72,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया, एक वर्ष के बाद 13,000 का लाभ हुआ, तो x का हिस्सा कितना है। बिल्कुल सिंपल है, 45,000 और 72,000, 72,000 की पूंजी लगा करके एक व्यवसाय शुरू करता है, x और y, यहाँ पे देखिए कटाई है, फिर 28 कटेगा, सॉरी 28 नहीं, 9 से कट, 9 5 45 9 8 72, तो 5:8 है, 5:8 है जो कि किसका है, x और y का है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो एक वर्ष के बाद 13,000 का लाभ हुआ, 13,000 रुपये का लाभ हुआ, तो x का हिस्सा पूछ रहा है, तो 5 बट्टा 13 गुना लाभ कितना टोटल है, वो है 13,000, इससे कटाइएगा तो ये आएगा 1,000, तो बराबर 5,000, 5,000 रुपये जो है वो है एक्स का हिस्सा आएगा। नंबर 9 देखिए वो है, पी और क्यू ने क्रमशः 85,000 और 15,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, दो वर्षों के बाद अर्जित लाभ को पी और क्यू के बीच क्रमशः किस अनुपात में बांटा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 85,000 और 15,000। अब देखिए दोनों के लिए टाइम बिल्कुल सेम है, तो हमको टाइम से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यही दोनों के बीच में हम लोग अनुपात निकाल देंगे, वही अनुपात निकल जाएगा पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच हमको अनुपात निकालना है, 3 0 से 3 0 कट गया, फिर कटेगा 5 से 17 5 85 और 5 3 15, तो 17:3 के अनुपात में हुआ किसका, पी और क्यू का हिस्सा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। विनय तथा मनोज ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। विनय ने 46,000 9 माह के लिए, मनोज ने 38,500 8 माह के लिए लगाए। वर्ष के अंत में कुल 10,830 के लाभ में से मनोज को कितना हिस्सा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक तो बिल्कुल सिंपल ही था, अब क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़ा सा ये चेंजिंग होना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो डिफरेंस दे रहा है, टाइम जो है वो डिफरेंस दे रहा है, मतलब अलग अलग समय के लिए। पहले का क्वेश्चन में क्या था कि एक साल के लिए दोनों लगाता था, दो साल के लिए दोनों लगाता था, बिल्कुल समय बिल्कुल सेम था। अब क्या है कि अब समय जो है सेम नहीं है, अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा वो आप लोग देखिए, आपको क्या करना है, रुपया को जो है समय से गुना करना पड़ेगा। तो 46,000 लगाया है 9 महीना के लिए, तो हम लोग लिखाते हैं 46,000 रुपया जो है वो है 9 महीने के लिए लगाता है, 46,000 9 महीने के लिए लगाता है। देखिए 46,000 है वो 9 महीने के लिए लगाता है और 38,500 8 महीने के लिए। फिर क्या है, 38,500 वो है 8 महीने के लिए लगाता है, कौन, विनय और मनोज ने। तो इसके बीच में अनुपात अब इस तरह से निकले था, पहले क्या था कि एक साल के लिए लगाता था, बिल्कुल सेम समय के लिए था, तो हम यहाँ पे समय को नहीं लिखते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे समय लिख रहा, लिखना पड़ेगा, 9 महीने के लगाता है, ये लगाता है 8 महीने के लिए, तो हमको यहाँ पे समय लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया यहाँ पे 9 महीने से गुना कर ली, यहाँ पे 8 महीने से गुना कर ली। अब जो अनुपात आएगा इसी अनुपात में उसको मतलब प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा आपस में। चलिए 20 से 20 कट जाएगी, अब ये कटेगा किससे, 5 से ये कटेगा आपस में, तो देखते हैं 5 से कटेगा तो 5 से 35 फिर ये कटेगा 5 से 5 से 9 45 5 से 2 9 10। अब ये 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 2 9 8 4 से 23 4 92। अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, तो कितना आएगा, 9 3 27 9 2 18 18 और 9 3 27 9 2 18 207 अनुपात 77 2 154 7 2 14 14 15 154। इतना के अनुपात में आ गया विनय और मनोज का। विनय और मनोज का 10,830 के लाभ में से, 10,830 के लाभ में से मनोज का हिस्सा कितना होगा, तो 154 बट्टा 207 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 एक हासिल, 1 5 1 6 और 2 1 3 1 4 461 है। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपका निकलेगा आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 1 3 तो यहाँ पे 361 होगा, 6 1 7 3 10। अब इसको देखिए कटेगा क्या है, अब देखिए ये जो है 361 को इतना से गुना किया, तीन बार में कटेगा, 361 एक बार में और तीन से कटेगा ये, यानी कि यहाँ पर आएगा 30, 154 को 30 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 4 3 12 15 3 45 1 46। तो 4620 हो जाएगा क्या, जो कि मनोज का हिस्सा होगा। चलिए ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार बने। कुमार ने 5,000 रुपया 5 महीने के लिए लगाया। कुमार जो है वह 5,000 रुपया जो है वो 5 महीने के लिए लगाया, तथा दीपक ने 6,000 रुपया 6 माह के लिए लगाया। 6,000 रुपया जो है वो लगाता है 6 महीने के लिए। वर्ष के अंत में 610 के कुल लाभ में से दीपक को क्या मिलेगा, दीपक को क्या मिलेगा। कुमार और दीपक, ये है कुमार ये है दीपक, अनुपात निकालते, पहले अनुपात निकाल दिए, 25:36 यानी कि 25:36 के अनुपात में वो जो है प्रॉफिट का शेयर करेगा आपस में, तो 610 से टोटल। तो किसका चाहिए हमको, दीपक का चाहिए, तो दीपक है 36 तो
तो 36 बट्टा 25 प्लस 36 कितना आएगा 61। हिस्सा कितना, टोटल लाभ कितना है 610, इससे तो ये कट ही जाएगी। तो दीपक का जो हिस्सा है 360 रुपये जो है वो किसका हिस्सा होगा, चलिए ये आएगा दीपक के हिस्से में। बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। नंबर 12 देखिए क्या कहता है यहाँ पे, मानस ने 42,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ किया, 7 महीने के बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यापार में शामिल हो गया। 42,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ किया, ठीक है, 7 महीने के बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में 30,000 के कुल लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है कि मानस जो है वो 42,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू किया था, और ये जो है मानस, तो ये जो है ये वर्ष के अंत तक रहा था, यानी कि इसका जो पैसा है वो 12 महीने तक रहा था, इसलिए इसको करेंगे 12 से गुना। अब देखिए एक क्या है, एक है कमल जो है मानस के साथ पार्टनरशिप के रूप में, पार्टनर के रूप में उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में आया है, लेकिन कब, वो 7 महीने के बाद आया है। तो मतलब जो कमल का जो रुपया है वो कितने दिन तक रहेगा, वो तो आपको 12 में से 7 महीने चूंकि बीत चुका है, तो उसका जो रुपया वो 5 महीने तक ही रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं 50,000 का पूंजी को हम सिर्फ 5 महीने तक ही इसको रखते हैं। चलिए अब इसमें से निकालते हैं, 30 से 30 कट गया, अब फिर ये कटेगा 2 से आएगा 25, यहाँ पे 2 से 21, अब ये नहीं कटेगा आपस में। चलिए ये क्या है, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25, 252 अनुपात 25 125, यानी कि इस तरह निकला मानस और कमल का हिस्सा कुछ इस तरह निकला। अब क्या 30,160 का टोटल लाभ हुआ, इस लाभ में कमल का हिस्सा कितना है, तो 125 बट्टा 252 इसको जोड़िए 5 2 7 और 25 12 37, 377 गुना कितना है 30,160। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। अब देखें यहाँ पे ये जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, ये जो है 8 बार में कटेगा, 370 को 8 से गुना करें तो कितना आएगा, एक बार 8 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना को गुना करिए, 8 5 40 12 8 96, 9600 रुपये जो है टोटल वो कमल का हिस्से में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संजय ने 30,000 लगाकर एक दुकान आरंभ की, 2 महीने बाद 45,000 लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया, 1 वर्ष के अंत में 54,000 के लाभ में से राजू का भाग क्या होगा। बना सकते हैं बिल्कुल इजी, 30,000 रुपये लगा करके एक बिजनेस को शुरू करता है, जो शुरू करता है वो तो वर्ष के अंत तक रहेगा अनुपात, उसके बाद क्या होता है 45,000 लगा करके, 45,000 रुपया लगा करके एक दूसरा आदमी जो है राजू इस दुकान में साझेदार हो गया, लेकिन कब, 2 महीने के बाद। अब देखिए 2 महीने के बाद उस बिजनेस में आया है, लेकिन टोटल रुपया जो है वो कितने दिन तक रहा है, वो टोटल रुपया रहा है उसका 12 महीने तक, लेकिन आया कितना 2 महीने बाद, तो उसको कितना रुपया रहा 10 महीने तक ही रहा उसका रुपया। चलिए इसको करेंगे हम लोग 10 से गुना, कटाते हैं 30 से 30 10 से, ये भी कट गया, अब ये कटेगा क्या, कटेगा 3 एकम 3 15 3 45, तो 12 अनुपात 15, फिर ये कटेगा 3 से 3 4 12 3 5 15, यानी कि 4 अनुपात 5 है, ये किसका किसका अनुपात है, संजय और राजू का, संजय और राजू का अनुपात है ये। तो अब देखिए तो राजू का भाग कितना होगा, राजू का भाग 5 है, 5 बट्टा 9 गुना टोटल लाभ कितना है 54,000, 9 6 54, तो 5 6 30, 30,000 जो है वो किसका, राजू का हिस्सा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है।
10,000 की पूंजी के साथ व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद बी 5,000 पूंजी के साथ शामिल होता है साल के अंत में 2,000 के लाभ में से। 10,000 के पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करता है और 4 महीने के बाद बी आता है 5,000 रुपये लेकर के, तो वह है कितना, 4 महीने के बाद आए, इसका मतलब उसका रुपया जो है वो 8 महीने तक ही रहा है। इसमें अनुपात निकालते हैं, चलिए 5 × 10 2 × 4 = 8, 4 × 4 = 12, 3:1 के अनुपात में रहेगा, वो क्या है ए और बी का, ए और बी का अनुपात है ये। साल के अंत में मिलता है 2,000 रुपया, 2,000 रुपये को किसके रूप में बांटना है, ए का हिस्सा निकालना है, तो 3/4, 5 × 5 = 15,000 देख लीजिए। अनिल ने 75,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया, अनिल जो है वो 75,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया, चलिए 75,000 लगा करके एक व्यापार को वो शुरू करता है। 4 महीने बाद अमित भी उसमें 1,12,500 रुपये लगा करके शामिल हो गया, 4 महीने के बाद, मतलब इसका रुपया रहा 12 महीने तक, अब 4 महीने के बाद कौन आया है, 1,12,500 रुपये के साथ कौन आया, 4 महीने के बाद आया, मतलब कि उसका रुपया रहा है 8 महीने तक। वर्ष के अंदर में 22,500, तो अमित को हिस्सा कितना होगा, अनिल और अमित, अनिल है और अमित है, चलिए इसमें निकालते अनुपात, 2,0 से 2,0 कटा, 1 कटेगा आपका 25 से 25 × 75 25 से 25 × 100 25 × 125 125, अब 1 कटेगा 15 × 2 = 30 15 × 3 = 45, 1 कटेगा 3 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 8 × 8 कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 8 कट, यानी 1:1 क्या आया, 1:1 आया। अब देखिए 1:1 का मतलब क्या हुआ, दोनों जो है उसको बराबर रुपया मिलेगा, दोनों को बराबर रुपया मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो 22,500 रुपया है, 22,500 रुपया को क्या करिएगा, आधा कर लीजिए 1/2 से गुना करके, तो कितना आएगा, 11,250 रुपया, इतना का हिस्सा हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ए जो है वो 30,000 रुपये लगा करके एक बिजनेस को शुरू करता है, उसका रुपया जो रहता है वो 12 महीने तक, 4 महीने के बाद बी आता है, 4 महीने के बाद बी आ जाता है, 4 महीने के बाद आता है कौन, बी, एक्स रुपया के साथ 4 महीने के बाद आता है बी। वर्ष के अंत में ए तथा बी द्वारा लाभ का अनुपात 9:4 है, लाभ का जो अनुपात है वो है 9:4, वो कितना है, 9:4 के रूप में अनुपात है, तो देखते हैं इसको कैसे निकल सकता है, तो 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, अब देखिए 3 × 3 = 9, 90,000 अनुपात x बराबर 9:4, इसको हमको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना है फिर बट्टा करना, तो 90,000 × x = 9/4 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे ये कट जाएगा, तो 9 × 1 = 9, 10,000, तो x बराबर 40,000, तो b जो है वो 40,000 रुपये लगा करके उस व्यापार में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पार्टनरशिप चैप्टर का, यहाँ पे क्या कहता है, मीनाक्षी ने 12,000 के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया, मतलब वो 12,000 रुपये लगा करके एक व्यापार को शुरू करती है, एक लड़की जिसका नाम है मीनाक्षी, चलिए,
अब इसका जो पैसा रहेगा 12 महीने तक, इसके बाद एक जो है जो कि 5 महीने के बाद आता है, 12 महीने तक रहता है पैसा, लेकिन वो जो आता है 5 महीने बाद वो एंट्री करता है, मतलब जो 5 महीने बाद आया उसका पैसा जो है वो रहेगा 7 महीने तक, तो यहाँ पे लिख लीजिए 7। और इसका कितना रुपया था, वो था 9,000 रुपया। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन, इसमें से निकाल कर अनुपात निकालिए, मीनाक्षी और कौन थी अब है, चलिए, और आपको M और A के बीच अनुपात निकाल करके, और इसमें जो टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है इसका 4416 रुपया। 4416 रुपया में से मीनाक्षी का आपको हिस्सा निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, फिर 3 से कटे, 3 3 9 3 4 12, फिर 3 4 12, यानी कि आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, 16:7 आ रहा है। यहाँ पे देखिए मीनाक्षी का हिस्सा 16 है और अभय का हिस्सा 7 है। आपको पूछा है किसका, मीनाक्षी का कितना रुपया इसमें से हिस्सा होगा, तो मीनाक्षी होगा 16। तो क्या करते हैं यहाँ पे 16 बट्टा, और 16 7 कितना 23 होता है, 23। अब आप इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे एक बार में कटेगा, फिर ये कटेगा 9 बार में, और फिर ये कटेगा 2 बार में, 192 गुने 16, और ये दोनों को आप गुना करिएगा तो ये कितना आएगा, 3072 आपका आ जाएगा आंसर इस तरह से। तो आप इस तरह से बनाइए, फिर आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बस बेसिकली क्या है कि पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ सबका आपको अनुपात ही निकालना है। तो देख लेते हैं, महेश ने 3 महीनों के लिए 1000 का निवेश किया, 3 महीनों के लिए उन्होंने 1000 रुपये का निवेश किया, और राजवीर ने 4 महीनों के लिए 800 रुपये का, राजवीर जो है वो 4 महीनों के लिए 800 रुपये का निवेश करता है। चलिए, यदि उसे 620 का लाभ प्राप्त हुआ, अगर इसको 620 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो राजवीर को कितना हिस्सा मिलेगा, जो कि महेश है और राजवीर है, तो बस दोनों के बीच में अनुपात निकालना है अपने को। तो इससे ये कटेगा, फिर ये कटेगा 2 से 2 2 4 2 5 10, अब ये नहीं कटेगा, 5 15 अनुपात 16 आ गया। और पूछ रहा है किसका हिस्सा, पूछ रहा है आपका राजवीर का हिस्सा, यानी कि 16 वाला हिस्सा पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, 16 बट्टा 15 16 31, और गुना करते हैं 620 में, इसमें से हम लोग हिस्सा निकाल लेते हैं 620, तो 31 दूना यानी 20 टाइम में 16 दूना 32, यानी कि 320 रुपया हिस्सा किसका होगा, राजवीर का होगा। चलिए, ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, एक व्यवसाय में एक कार्यशील तथा 20 सुस्त पार्टनर है, यानी कि दो पार्टनर है, ए जो है ए कार्यशील है वो ज़्यादा काम करता है, बी सुस्त पार्टनर वो कम करता है, ए 12,000 रुपये लगाता है, बी 20,000 रुपये लगाता है, ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, मतलब ए जो है वो ज़्यादा काम करता है इसके लिए वो प्रबंधन करता है यानी मैनेजमेंट करता है, इसके लिए वो 10% रुपया वो अलग से चार्ज करता है, मतलब जमा पूंजी जो भी लाभ होता है उसमें से पहले ए 10% ले लेता है, उसके बाद जो बचता है उसमें से दोनों आपस में पूंजी के अनुसार बंटवारा करते हैं। तो आइए देखते हैं इसी का हम लोग हिसाब करके कि होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ए जो है लगाता है कितना 12,000 रुपया, और बी लगाता है इसमें से 20,000 रुपया। चलिए, ए और बी लगा दिया 12,000 और 20,000, ये ए का है, ये है आपका बी का, दोनों के बीच में अनुपात अगर निकालने चले तो देखिए 5 4 3 12 4 5 20, यानी कि 3:5 के अनुपात में इसका हो गया। अब देखिए टोटल लाभ कितना है 9600, 9600 में से 10% ए ले चुका है पहले ही, तो बचा क्या है इसमें से 90% बच गया। अब ये इतना पैसा बचा हुआ है, इसका वैल्यू जो भी हो, इसमें से ए कितना लेगा, 3 भाग लेगा ए, यानी 3/8, ये जो है ये आपका हुआ ए का हिस्सा, अब प्लस ए जो कितना रुपया लिया है 9600 में से पहले 10% वो लिया है, तो 9600 का 10% पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये जो है ए का हिस्सा क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या निकाला, ए का हिस्सा निकाला, 9600 रुपया टोटल लाभ है 9600, अब यह 9600 10% ए ले चुका है तो बचा कितना 90%, इस 90% में से ए का हिस्सा निकाल लेते हैं 3/8, ये रहा ए का हिस्सा, प्लस में ए इतना रुपया भी लेता है, तो ये रहा आपका क्या, ए का टोटल रुपया जो कि ए लेगा उस पूंजी में से, उस लाभ में से। अब इसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, 12 8 96, तो कैसे निकलेगा, 9 3 27, 9 3 27,
बारह सतह चौरासी, नौतिया सत्ताईस, बारह सतह चौरासी और बारह दूना चौबीस, दो छब्बीस। छब्बीस सौ चालीस प्लस छियानवे सौ का 10% 960, दोनों को जोड़ दें क्या आता है, जीरो छ चार दस, नौ छ पंद्रह एक सोलह, दो और एक तीन, यानी कि एक हिस्से में कितना आएगा, 3600 रुपया। चलिए समझ में आई क्या, एक बिजनेस रहता है, उस बिजनेस में ए पहले 10 पहन लेता है, उसको फिर अपना पूंजी के अनुसार वो हिस्सा लेता है, मैंने बस यही किया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, अजीत 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार की शुरुआत करता है, तीन महीने बाद अरुण आता है, 60,000 के साथ अजीत है जो कि 60,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है, तीन महीने के बाद अरुण आता है 80,000 रुपए लेकर के, 80,000 के साथ आता है कौन, अरुण। चलिए यदि वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 24,000 का लाभ होता है, देखिए 60,000 के साथ शुरू किया है तो मतलब इसका पैसा जो है इसमें रहा है 12 महीने तक, और अरुण जो है वो आया है तीन महीने के बाद, मतलब इसका पैसा रहा है 9 महीने तक, 12 महीने का टोटल बिजनेस है एक साल का, एक साल में से तीन महीने बाद आया मतलब उसका पैसा जो है 9 महीने तक ही रहा है उस बिजनेस में, इसमें से टोटल लाभ कितना 24,000 रुपये। तो सबसे पहले दोनों के बीच में अनुपात निकाल लेते हम लोग, फिर दो तिया छः, दो चौका आठ, चार तिया बारह और देखिए तीन तिया नौ, इससे ये कट ही गया, यानी एक अनुपात एक आया। अब देखिए एक अनुपात एक का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटेगा, मतलब आधा आधा बांट लेगा, तो अभी क्या है 24,000 टोटल लाभ है, 24,000 टोटल लाभ है, इसमें से किसी का भी हिस्सा दीजिए तो इसका आधा आपको देना पड़ेगा, तो 24,000 का आधा कितना होगा, 12,000, ये रहा आपका। चलिए ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख क्या कहता है, ए 40,000 के निवेश के साथ व्यापार शुरू करता है, ए जो है वो 40,000 रुपये लगा करके व्यापार को शुरू करता है, मतलब ए का पैसा जो है वो रहता है आपका 12 महीने तक। बी जो है एक आदमी बी है जो कि 4 महीने के बाद वो व्यापार शुरू करता है, तो अगर वो 4 महीने के बाद व्यापार शुरू करता है मतलब बी का पैसा कितने दिन तक रहेगा, 8 महीने तक, तो 8 महीने तक रहेगा बी का पैसा, बी ने कितना रुपया लगाया ये पता नहीं है तो मान लेते हैं एक्स, और इसके बाद जो लाभ का अनुपात है वो 6:5 में बांटता है, वो 6:5 के रूप में वो अपना लाभ बांटता है। तो अब देख लीजिए यहाँ से, तो हमको यहाँ बस एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, तो 8 से 8 पंच 40 यहाँ पे 5,000 आ गई, अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 12 पंच 60 कर लेते हैं, 60,000 बट्टा एक्स बराबर 6/5, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 से 10,000 टाइम, तो एक्स बराबर 50,000 जो कि किसका होगा, बी का होगा, आपने उसी को माना था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, रामवीर ने 2100 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में 3600 के साथ सतीश उसमें शामिल हो गया, यदि वर्ष के अंत में विभाजित किया गया लाभ बराबर था तो सतीश कितने महीने के बाद उसमें आया था। तो अब देखिए 2100 रुपये के साथ ये व्यापार शुरू करता है, जो शुरू करता है उसका पैसा रहता है 12 महीने तक, ठीक है अनुपात, और उसके बाद वर्ष के अंत में यानी कि एक दूसरा व्यक्ति था जो कि 3600 रुपये के साथ उस बिजनेस में आया था, कितने महीने के बाद आया था ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये जान सकते हैं इसका जो पैसा था वो रहा था एक्स महीने तक। चलिए एक्स महीने तक रहा था, इसके बाद क्या होता है, उन्होंने अपना मतलब उसके बाद जो हिस्सा मिलता है लाभ का वो बराबर बराबर बांटता है, तो बराबर बांटने का मतलब क्या हुआ, 1:1 यानी 1:1 के रूप में वो बांटता है अपना पैसा को। तो हम लोग यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने महीने के बाद शामिल हुआ था, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना हुआ एक्स का वैल्यू निकलेगा वो भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 तिया 36 300, इससे ये कट जाएगी 321, यानी कि 7/x बराबर 1/1। यहाँ पे x बराबर हो गया कितना, 7 महीने, यानी कि इसका जो पैसा वो रहा था 7 महीने तक रहा था। टोटल महीना कितना होता है, 12, तो कितने महीने के बाद ये आया होगा, तब इसका पैसा रहा था 7 महीने तक, तो ये आया होगा 5 महीने के बाद, ठीक है। नंबर 23, ए बी सी ने क्रमशः 2000, 3000, 4000 लाख का व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। बी एवं सी ने एक वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 3200 हो तो ए का भाग कितना होगा। ए बी सी है 2, 3, 4 के अनुपात में है, 2000, 3000 और 4000 ला करके ये बिजनेस करता है। ये जो है देखिए, ये टोटल बिजनेस जो है पहले का, इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन हम बना रहे थे वहाँ पर बिजनेस क्या था, 1 साल के लिए, लेकिन ये जो बिजनेस है ये है 2 साल के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि ए ने अपनी पूंजी वापस ली, यानी 1 साल के बाद ए अपना पूंजी वापस लिया। तो ए ये है ए, ये है बी, ये है आपका सी। ए जो है 1 साल के बाद अपना पूंजी वापस लिया, मतलब इसका पैसा रहा है 1 साल तक, यहाँ पर हम लोग साल में ही लिखते हैं। चलिए, ये रहा आपका बी। बी और सी जो है उस बिजनेस को 1 साल और चलाया, मतलब बी का पैसा 2 साल रहा, सी का पैसा भी रहा है 2 साल यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए 2 से गुना करिए, इसमें भी 2 से गुना कर लीजिए। अब देखते हैं ए बी सी के अनुपात क्या निकलती है, 3:1। चलिए, ये जब भी कटेगा आपस में बराबर में ही कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 भी कट जाएगा, ये भी 2 कटेगा, ये भी 2 कटेगा। अब देखते क्या है, यहाँ पर 1:3:4 है, इस रूप में वो अपना पैसा बांटेगा। अब देखिए पूछ किसका रहा है, अब पूछ रहा है कि ए का भाग कितना होता है, ए का हिस्सा तो 1 है, यानी 1/1 + 3 + 4, 4 × 3 = 8, गुना कितना रुपया टोटल मिलता है इसको वर्ष के अंत में, 3200 रुपया, तो गुना 8 × 4 = 32, यानी आपको ए का जो हिस्सा होगा वो होगा 400 रुपये का। चलिए ठीक है, नंबर 24, एक पूंजी के साथ ए बी और सी ने साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंश 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलते हैं तो बी और बी को 300 रुपये मिलते हैं तो सी की पूंजी है कितनी। एक पूंजी के साथ ए बी और सी ने साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंश 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलते हैं और बी को 300 मिलते हैं तो सी की पूंजी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ए है, बी है और सी, यहाँ पे 3 व्यक्ति है। ए ने 10,000 रुपये लगाया था उस बिजनेस में, 10,000, बी का पूंजी नहीं दिया है, सी का पूंजी भी नहीं दिया है। ए का पूंजी, बी का पूंजी, सी का पूंजी में से सिर्फ और सिर्फ ए का पूंजी दिया है आपको यहाँ पे जो है। अब देखिए 1,000 के कुल लाभ में से, अब देखिए इसमें प्रॉफिट होता है 1,000 रुपये का, इस 1,000 में से ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ए को 500 रुपये मिलता है, ए को जो है वो मिलता है 500 रुपये, इस 1,000 में से ए को मिल गया 500 रुपये। बी को देखिए कितना रुपया मिलता है, बी को मिलता है 300 रुपया। तो अब देखिए, अब 1,000 में से ए ने 500 रुपये ले लिया, 1,000 में से बी ने 300 ले लिया, तो 5×3 = 800 रुपये हो गए खर्चा। अब जो बच गया 200 रुपया, वही मिलेगा आपका सी को। चलिए ठीक है, सी को मिल गया। तो अब देखिए, तो अब चूंकि तीनों का जो पैसा है बिल्कुल सेम टाइम के लिए रहा है तो उसी अनुपात में हम यहाँ पे पूंजी भी बना सकते हैं। तो अब देखिए, तो यानी कि 500, 300 और 200, तो तीनों के बीच में अगर हम अनुपात निकालें, लाभ का अनुपात क्या आएगा, 500 अनुपात 300 अनुपात 200 अनुपात, तो 5:3:2 के रूप में अनुपात निकलेगा। अगर ये 5 जो है ये 10,000 के बराबर है, ये 5 जो है ये 10,000 के बराबर है,
पांच दस हजार के बराबर है तो यहाँ पे देखिए अनुपातिक राशि क्या मिलेगी, यहाँ पे देखिए अनुपातिक राशि क्या मिलेगी, तो दस हजार में हम लोग पांच से भाग दे देंगे, पांच दुना दस यानी कि मिलेगा कितना 2000। इस 2000 से तीन को गुना कर सकते हैं, दो को गुना कर सकते हैं, लेकिन ये पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है किसका, सी का पूंजी पूछ रहा है, तो इस 2000 को इस 2000 से गुना कर लेते हैं, तो दो दुना 4000 हो गया, किसका वो होगा आपका सी का, ठीक है। पांच दुना दस, तीन दुना छ और ये दो दुना चार, तो इस बी का होगा 6000 और इसका होगा 4000, 6000 10, 6000 10, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था, आप इसको एक या दो बार ट्राई कीजिए फिर बनेगा, नहीं तो फिर इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। मीना और सोनम, मीना है और सोनम कपूर है, 6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए लगा करके एक ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं, एक वर्ष के बाद 65000 का नुकसान होता है, मीना की नुकसान राशि कितनी होगी। अब देखिए 6 लाख मतलब 6 पर 5 0, 7 लाख मतलब 7 पे 5 0, तो दोनों के बीच पूंजी का अनुपात कितना हुआ, इससे कट गया, यानी कि 6:7 के रूप में पूंजी का अनुपात हुआ किसका, मीना और सोनम का। अब देखिए 65000 के नुकसान में से मीना को कितना नुकसान होगा, तो अब देखिए अगर प्रॉफिट होता तो जितना परसेंट प्रॉफिट लेता उतना ही परसेंट नुकसान भी उठाना पड़ेगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6/7 = 13 गुना 65000 का नुकसान है, 13 × 5 = 65, 6 × 5 = 30, यानी कि 30000 रुपये का नुकसान किसका होगा, जिसका पूंजी कम था यानी कि मीना का था, और उसका नुकसान कितना होगा 35000 रुपये का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार फिर से देखिए क्या कहता है, ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार है, ए पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, ए जो है पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, मान लेते पूंजी एक्स है तो एक्स 1/4 कौन लगाया, ए लगाया, उसके बाद क्या होता है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, उस पर जो है अनुपात, बी जो है तो अब देखिए 1/4 कौन लगाया, वो लगाया ए, तो बी कितना लगाएगा 3/4, तो 3x/4 कौन लगाया, वो लगाया बी, फिर ये कितने महीने के लिए वो पता नहीं, तो मान लेते के महीने के लिए बराबर। अब जो लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है इसमें बी को कितना हिस्सा मिलता है, वो मिलता है 3/4 हिस्सा, तो मान लेते हैं क्या कि वाई जो है 3y/4 कौन लिया, बी लिया, तो ए का हिस्से में कितना आएगा, y/4 आएगा, तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके के का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगी, एक्स से एक्स कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8/3 के बराबर, यहाँ पे देखिए y से y कट जाएगी, ये 4 से 4 कट जाएगी आपस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, अब 3 से 3 भी कैंसिल, तो k बराबर 8, यानी कि b का पैसा जो रहा था वो 8 महीने तक लगा रहा था उस व्यवसाय में, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है, बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है, बी की जो पूंजी है वो ए की पूंजी से 2 गुनी है, लेकिन सी की पूंजी की 3 गुनी है। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी के बीच लड़ाई चल रही है, ए की बी की पूंजी ए से 2 गुनी, बी की पूंजी ए से 2 गुनी, बी की पूंजी ए से 2 गुनी, लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी, बी की पूंजी जो है वो सी की पूंजी से 3 गुनी है, तो अब देखिए यहाँ पे C और A का रिजल्ट जो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपका B से मिलेगा, तो हम मान लेते हैं B के पास अगर X हो तो A के पास x/2 हो जाएगी, C के पास x/3 हो जाएगी क्योंकि कम होगी, ये रहा आपका अनुपात पूंजी का A B C के बीच में। यदि वर्ष के अंत में 1100 का लाभ होता है, वर्ष के अंत में 1100 का लाभ होता है इसके बीच में हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स 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 को हटा सकते हैं, फिर क्या होगा, अब इसको लीनियर बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 और 3 को एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकलेगा 6 से सब में गुना कर दीजिए, 6/2 अनुपात 6/1 अनुपात 6/3, तो 2 × 3 = 6, 3 × 6 = 3:6
दो निकला, इसके बीच में लीनियर अनुपात जो कि लाभ के रूप में बंटवारा करेगा। अब देखिए 1100 रुपए का टोटल लाभ है, 1100 में से किसको किससे बांटना है तो बताएं कि 1100 रुपए का लाभ हो, यदि वर्ष के अंत में 1100 का लाभ हो तो कुल पूंजी का 1/10 भाग। अब देखिए 1100 रुपए का जो लाभ है ना, प्रॉफिट है ना, ये टोटल पूंजी का 1/10 है। तो हम मान लेते क्या, टोटल पूंजी अगर जेड है तो जेड का 1/10 कितना है, वो है आपका 1000। तो यहां से हम लोग जेड का वैल्यू निकाल करके, जेड का वैल्यू आ गया कितना, 10000 आएगा, 10000 आ गया। अब इस 10000 में से किसका पूछ रहा है तो बताए ए की पूंजी कितनी है, तो ए की पूंजी हो गई तीन पार्ट, तीन वर्ट। तो 10000 का 3/6 2 8 3 11 इतना आएगा, ए की पूंजी कितनी, 3/11 6 2 8 3 11 अच्छा नहीं नहीं जेड का है, जेड वो रहा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए एक बार फिर से, बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी, सी की पूंजी से 3 गुनी है। यहाँ पर देखिए तीन व्यक्ति ए है, बी है और सी है। बी की पूंजी ए से 2 गुनी, बी की पूंजी जो है वो ए से 2 गुनी है, बी की पूंजी जो है सी से 3 गुनी है, सी से है 3 गुनी। अगर हम मान लेते हैं बी की पूंजी एक्स है तो ए की पूंजी क्या होगी, x/2, सी की पूंजी x/3, ये रहा तीनों का पूंजी का अनुपात। चलिए यहाँ से हम लोग इसको लीनियर में बदल लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या, 1/2 अनुपात 1/3 आ गया, तो यहाँ पर बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब ये अनुपात जो है बट्टा में है, तो इस बट्टा के अनुपात को लीनियर यानी एक लाइन बदलने की क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, 3 × 2 = 6 आएगा। तो 6/2 अनुपात 6/1 अनुपात 6/3। अब यहाँ पे क्या मिल रहा हमको, 2 × 3 = 6 3 × 6 = 2 मिलेगा, जो कि इसकी पूंजी का अनुपात है। अब देखिए अब एक साल के बाद जो है उसको कितना पैसा मिलता है, 1100 रुपये, 1100 रुपये का टोटल लाभ है जो कि क्या है, पूंजी का 1/10 भाग है। तो पूंजी मान लेते हैं जेड है, तो जेड का 1/10 भाग क्या है, वो है 1100 रुपये। तो यहाँ पे जेड बराबर क्या हो गया, हो गया आपका 11000 रुपये, ठीक है। जेड क्या हो गया, 11000 रुपये हो गया यानी टोटल पूंजी। तो अब पूछ क्या आपका कि ए का पूंजी बताइए कितना हुआ, तो ए का हिस्सा कितना है, 3 है, तो इतना का 3/6 2 8 3 11 देखिए 11 करिए, ठीक है। तो जेड बराबर 3000 जो कि क्या होगा, सॉरी जेड नहीं, जेड का वैल्यू तो इतना हो गया, जेड नहीं यानी कि ए बराबर, ए का पूंजी होगा कितना, 3000 रुपये। चलिए मजेदार क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदार को 95000 का कुल लाभ होता है। ए पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाता है, बी कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाता है, तीसरा हिस्सेदार अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाता है, तो बी का लाभ कितना होगा। तो अब मान लेते हैं पूरे समय, यानी कि पूरे समय मान लेते हैं एक साल के लिए, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम मान लेते हैं 12 महीने मान सकते हैं या फिर टी भी मान सकते, टोटल टाइम क्या बोलता है, ए बी सी तीनों साझेदार को 95000 का कुल लाभ होता है। ए पूंजी का आधा मान लेते पूंजी एक्स है, पूंजी है एक्स, तो एक्स का आधा ए है आधे समय के लिए, तो टोटल टाइम है टी, तो टी का 2/T समय के लिए लगाता है, ये है ए का बिजनेस। बी का बिजनेस देखिए, बी कुल पूंजी का 1/3 यानी कि 1/3 लगाता है बी, और इसका जो 1/3 समय के लिए यानी कि 2/3 टाइम के लिए लगाता है, फिर अनुपात, फिर है सी का पूंजी, तीसरा हिस्सेदार अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाता है यानी टी टाइम के लिए लगाता है, तीसरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाता है, तीसरा हिस्सा कितना बचा है, देखिए 1/2 और 1/3 जोड़िए कितना होगा, तो अब देखिए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 1/2 + 1/3 तो 3 × 2 = 5/6,
पाँच बट्टा छः निकल गया, तो अब बचा हुआ कितना है जो कि x बट्टा सिक्स बचा हुआ है, जो कि तीसरा हिस्सेदार का पूंजी होगा x बट्टा सिक्स। इसको निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने क्या माना टोटल पूंजी x है, टोटल पूंजी में से x बट्टा टू यहाँ पे है, फिर देखिए x बट्टा थ्री यहाँ पे है, दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको कितना निकलेगा x बट्टा सिक्स निकलेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये रहा किसका, वो रहा तीसरे का पूंजी। अब तीसरा का जो समय कितना है वो पूरे समय के लिए है, तो पूरा समय कितना माने है? हम माने हैं टी। तो ये रहा आपका उसके पूंजी का अनुपात। चलिए तो इसके बीच में हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, सेम चीज़ों को हम कटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या निकल रही है, अभी आपस में कोई कटेगा नहीं, तो एक बट्टा चार अनुपात एक बट्टा नौ अनुपात एक बट्टा छ। चलिए सही है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हम लोग, इसको हम लोग लीनियर करते हैं, वन लाइन बल करते हैं, तो कैसे होगा, नौ छ चार का एलसीएम कितना आएगा, नौ चौक छत्तीस आएगा, तो छत्तीस से सब में गुना कर लेते हैं, छत्तीस बट्टा चार अनुपात छत्तीस बट्टा नौ अनुपात छत्तीस बट्टा छ, तो चार नवा छत्तीस अनुपात नौ चौक छत्तीस अनुपात छः छः एक छत्तीस, यानी नौ अनुपात चार अनुपात छः के रूप में इसका पूंजी होगा। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा है, पंचानवे हज़ार रुपये टोटल लाभ है, टोटल लाभ कितना है पंचानवे हज़ार का, पंचानवे हज़ार का टोटल लाभ है, इसमें बी का हिस्सा कितना है चौथा भाग है, तो चार बट्टा छः चार दस नौ छः चार दस नौ उन्नीस, ये है बी का हिस्सा। अब देखिए उन्नीस पचे पंचानवे पाँच हजार चार पंचे बीस, यानी कि बी का हिस्सा कितना होगा, वो होगा आपका बीस हजार रुपये, किसका हिस्सा होगा, वो होगा आपका बी का हिस्सा। चलिए मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है, ए पूंजी ए की पूंजी बी की पूंजी से तीन गुनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से चार गुनी है। यहाँ पे देखिए ए है बी है और सी है, पहले हम देखते हैं कि किसका पूंजी हम मान सकते हैं, तो ए की पूंजी बी की पूंजी से तीन गुनी, ए का जो पूंजी है वो बी से है तीन गुनी उसका देखिए, और तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से चार गुनी, बी का जो पूंजी है वो है सी के पूंजी से चार गुनी, चार गुनी है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का रिजल्ट जो है सी से आ रहा है, तो सी को मान लेते हैं एक्स है, तो बी के पास क्या होगा फोर एक्स, ए के पास क्या होगा बी से तीन गुना, यानी कि चढ़तिया बारह एक्स, ये तीनों के बीच में पूंजियों का अनुपात हो गया बारह एक्स चार एक्स और एक्स। फिर देखिए वर्ष के अंत में प्राप्त अड़सठ हज़ार अड़सठ के लाभ में से ए का भाग कितना होगा, यहाँ से हम लोग एक्स को एक्स का कटा सकते हैं, तो बारह अनुपात चार अनुपात एक के रूप में अनुपात आया, हम वो किसका पूछ रहा है ए का पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा बारह बट्टा बारह चार सोलह एक सत्रह अगुण है, कितना टोटल हिस्सा है अड़सठ जीरो अड़सठ अड़सठ जीरो अड़सठ, यहाँ से वो सत्रह कटा सकेगा सत्रह चौका अड़सठ जीरो फिर से जीरो सत्रह चौका अड़सठ चार हजार चार, इसको गुना करिए बारह चौका अड़तालीस बारह चौका अड़तालीस, यानी 48 जीरो 48 किसका होगा ए का पार्ट होगा ए का हिस्सा होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए बी का चार गुना ए तथा ए सी का तीन गुना पूंजी लगा के एक व्यवसाय करते हैं, ए बी का चार गुना तथा ए सी का तीन गुना पूंजी लगा एक व्यवसाय करते हैं, यदि वर्ष के बाद यहाँ पे देखिए ए है बी है और सी है, ए बी का चार गुना ए जो है वो बी का है चार गुना, और फिर देखिए ए जो है सी का तीन गुना ए जो है वो है सी का है सो तीन गुना है ए, तो अगर हम मान लेते हैं ए का है एक्स रुपया तो बी का क्या होगा एक्स बट्टा चार, सी का क्या होगा एक्स बट्टा थ्री, इस हिसाब से ये बिजनेस में अनुपात निकाल सकते हैं पूंजी का, एक्स एक्स कट गया तो एक अनुपात एक बट्टा चार अनुपात एक बट्टा तीन निकलेगा। अब इसको क्या करते हैं चार तीन का एलसीएम कितना बारह बारह सब में गुना कर दीजिए
तो 12 अनुपात 4 3 12, हम 12 कर लेते मतलब मान ली 4 3 12 अनुपात 3 4 12, इतना आया तीनों के बीच में अनुपात। अब देखिए वर्ष के अंत में 3800 का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में हुआ कितना 3800 रुपए का लाभ हुआ, उसमें से ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना रुपए अधिक होगा, इसका मतलब क्या हुआ, बी का निकालिए ए का निकालिए, दोनों के बीच में अंतर निकालिए। तो पहले निकालते ए का, तो 12 बट्टा 4 3 7 12 7 19, 19 2 8 32 200, 12 2 9 2400 रुपये किसका हुआ, वो हुआ ए का हिस्सा। अब बी का हिस्सा निकालते हैं 3800 गुना बी का हिस्सा 3 3 बट्टा 19 19 2 9 38 200 3 9 600, यानी किसका हुआ 600 रुपया, ये हुआ बी का हिस्सा। अब आप बताइए ए का हिस्सा बी से कितना ज़्यादा है, तो 2400 में से 600 घटाइए कितना होगा 1800 होना चाहिए आंसर। चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है, किसी व्यापार में, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, किसी व्यापार में ए बी से 3 गुना पूंजी लगाता है, ए जो है, ए है बी है और ए बी से 3 गुना पूंजी लगाता है, ए जो है वो बी से, अगर बी का पूंजी एक्स है तो ए का पूंजी 3x होगा, तथा बी ए के 4 गुना समय तक व्यापार में रहता है, तब बी जो है वो ए के 4 गुना समय तक व्यापार में रहता है, अगर ए रहता है टी समय तक, बी रहेगा 4t समय तक रहेगा उस व्यापार में 420 के कुल लाभ में से। तो अब हम क्या निकालते हैं, 3x गुने टी अनुपात x गुने 4t, x और t कट जाएगा, तो क्या हुआ 3:4 हुआ, दोनों के बीच में लाभ का अनुपात 420 के कुल लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए हो गया 3 बट्टा 4 3 7 गुने 420 का लाभ है, 420 रुपये का लाभ है, 7 6 42 60 में 6 3 18 180 रुपये होगा, किसका हिस्सा, ए का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख क्या कहता है, यदि 4 ए की पूंजी 6 बी की पूंजी 10 सी की पूंजी, तब 4650 के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका यूनिट जो है रुपया में नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दर्शा दिया कि 4 जो है वो एक ही पूंजी, 4 रुपया है या नहीं है वो क्या है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबको बराबर में कर लेते हैं, यदि 4 बराबर 6 बराबर 10 है, यहाँ पे अनुपात नहीं है, सिर्फ बराबर में, ये है ए की पूंजी, ये है बी की पूंजी, ये है 10 सी की पूंजी, तीनों आपस में बराबर है, तो हम क्या मानते हैं, चौथा जो संख्या है वो है मान लेते हैं बराबर के, मान लेते ये सब जो है के बराबर है, तो इस तरह से ए की पूंजी क्या होगा के बट्टा 4, ये क्या होगा के बट्टा 6, ये क्या होगा के बट्टा 10। अब इसके बीच में अनुपात निकले, अब क्या होगा इससे ये कट जाएगा, तो 1 बट्टा 4 1 बट्टा 6 और फिर अनुपात 1 बट्टा 10, तो इस तरह से क्या निकलेगा 1 बट्टा 2 अनुपात 1 बट्टा 3 अनुपात 1 बट्टा 5। अब क्या करते हैं अनुपात निकाल, सॉरी तीनों का लघुत्तम निकाल के गुना कर देते हैं, 5 3 15 2 9 30 30 होगा लघुत्तम, तो 30 से समय गुना कर दिए, तो यह होगा 15:10:6 15:10:6 इस रूप में बांटेगा पैसा को, तो इसमें सी का हिस्सा क्या है 6 है, तो 6 बट्टा 10 6 16 15 31 31 अगुण है, कितना बांटेगा 4650 रुपये टोटल है, 4650 रुपये है टोटल, और इसका आंसर भी निकलेगा पूरा पूरा, तो ये कटेगा 31 से, चलिए 31 से कम 31 और बच गया कितना 15 155, 5 बार में 0 15 6 90 900 रुपया होगा किसका सी का हिस्सा, चलिए बिल्कुल सही है। तैतीस नंबर क्वेश्चन, यदि 6 ए की पूंजी 8 बराबर बी की पूंजी बराबर 9 सी की पूंजी, तब ए बी सी के पूंजी के बीच में अनुपात क्या होगा, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से है 6 बराबर
आठ बराबर नौ बराबर के मानते हैं हम लोग, मतलब कि एक ही पूंजी इस तरह से। तो अब क्या करते हैं, यानी कि छ जो है के बराबर है, आठ है के बराबर, नौ है के बराबर। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, के बट्टा सिक्स अनुपात के बट्टा एट अनुपात के बट्टा नाइन। अब लोग के को तो आपस में कटा सकते हैं, तो एक बट्टा छ अनुपात एक बट्टा आठ अनुपात एक बट्टा नौ। इसको आप लीनियर बदलिए वन लाइनर में, तो लघुत्तम लेके सब में गुणा कर दिए। नौ आठ छः का लघुत्तम क्या हुआ, नौ आठ छः का लघुत्तम हुआ कितना, नौ अठे बहत्तर। चलिए नौ आठ और छः का लघुत्तम कितना होना चाहिए, निकालते हैं एलसीएम। दो से नौ, दो चौक आठ, दो तिया छः, तीन से तीन तिया नौ, चार और तीन एकम तीन, चार तिया बारह, तिया छत्तीस, दोनों बहत्तर। बहत्तर बहत्तर हुआ इसका एलसीएम, बहत्तर बट्टा छ अनुपात बहत्तर बट्टा आठ अनुपात बहत्तर बट्टा नौ। तो बारह छः बहत्तर, आठ नौ बहत्तर, नौ अठे बहत्तर, तो बारह अनुपात नौ अनुपात आठ होगा आपका आंसर। तो चलिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है, ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया, यदि वर्ष के अंत में उसका लाभ 2:1 के रूप में हो तो व्यापार आरंभ होने कितने महीने बाद बी साझेदार बना था, बी साझेदार बना था। 45,000 लगाया, इसका पैसा रहा है 12 महीने तक अनुपात, फिर 54,000 लगाया बी, इसका पैसा मान लेते वो एक्स टाइम तक रहा था, इसके बाद जो है 2:1 हो गया इसका लाभ का अनुपात। यहाँ से हम लोग को बस x का वैल्यू निकाल के 12 में से x को माइनस करना पड़ेगा, इससे कट गया मैं 6 54 9 5 45, तो 12 6 दुना 12 5 दुना 10, 10 बट्टा x बराबर 2:1। यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा, 2 5 10, तो x बराबर 5, यानी कि b का पैसा जो है 5 महीने तक रहा है, इसका मतलब b जो है 7 महीने के बाद उस बिजनेस में आया है, एंटर किया है, तो इसका आंसर क्या होगा 7 महीने। यहाँ पे देखिए इसका आंसर दो तरह से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है b जो है कितने महीने के बाद आया है, तो 7 महीने के बाद। अगर इसमें पूछता है b का पैसा कितने महीने तक रहा है, तो आपका आंसर होता है 5 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 60,000 लगा के व्यापार शुरू किया, एम माह बाद सी भी 70,000 लगा के व्यापार में साझेदार हो गया, यदि बी वर्ष के अंत में एम माह पहले छोड़ देते तो था वर्ष के अंत में इसके लाभांश इतना क्या होगा। तो अब देखिए ए बी सी बिजनेस में है, ध्यान से बनाना होगा, 50,000 60,000 और 70,000, ये तीन दोस्त इस बिजनेस में आया है। उसको क्या होता है, ए तथा बी ने इतना को लगा के व्यापार शुरू किया, एम महीने के बाद सी भी इस व्यापार में आया है, यानी कि एम महीने के बाद आया है, एम महीने के बाद कौन आया है, सी आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम महीने के बाद आए, अगर 2 महीने के बाद आता तो उसका पूंजी रहता 10 महीने तक, यानी कि 12 महीना एम हो गया किसका, हो गया सी का टाइमिंग, 12 महीना एम हो गया, ये सी रहा इतना टाइम तक रहा इस बिजनेस में। अब देखिए बी जो है वो बी क्या होता है, एम महीने बाद सी भी, यदि बी वर्ष के अंत से एम माह पहले, यानी कि वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने से एम महीना पहले इस बिजनेस को छोड़ देता है, तो इसका मतलब बी का पैसा जो है वो 12 महीने 12 माइनस एम इस टाइम तक रहा है, 12 महीने एम टाइम तक रहा है बी का पैसा, और ए का पैसा जो है ये पूरे 12 महीने तक रहा है, और इसके बाद क्या होता है, तीनों के बीच में जो अनुपात निकलता है वो कुछ इस तरह से निकलता है, 20:18 अनुपात
21 के रूप में ये अनुपात निकला। तो हमको यहाँ से m का वैल्यू निकालना है। तो देखिए चार जीरो तो पहले सबको घटा दीजिए, बारह पंच है 60 अनुपात, बहत्तर माइनस 6m अनुपात, चौरासी माइनस 7m बराबर होगा, चलिए 20 अनुपात 18 अनुपात 21 का। तो अब देखिए ये भी आपस में बिल्कुल बराबर ही होगा, तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम इसके साथ बिल्कुल तुलना करें तो क्या होगा, ये जो है कहाँ पे एडजस्ट होगा, 20 के बराबर ये होगा, सॉरी 20 के बराबर ये होगा, 18 के बराबर ये होगा, और ये बराबर होगा किसका, 21 के बराबर ये होगा, ये भी आपस में बिल्कुल बराबर ही होगा क्योंकि यही अनुपात है यहाँ पर। तो इसको भी आपस में निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, या फिर इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, ये तीन गुना है तो इसका तीन गुना ये होना चाहिए, इसका तीन गुना ये होना चाहिए, तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीका क्या अपनाएंगे, बहत्तर माइनस क्या करते हैं यहाँ पे, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे गुना करके, गुना करके नहीं लिख करके डायरेक्टली लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 6 × 12 माइनस एम, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 12 माइनस एम। तो अब देखिए 6 × 12 माइनस एम बराबर 18, छतिया 18, तो एम बराबर तो 12 में से 3 घटा तो 9 × 3 = 12, एम का वैल्यू हुआ 9 महीना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक व्यापार में धन लगे धन में ए तथा सी के धनों का अनुपात 2:1 है, जबकि ए और बी के धनों का अनुपात 3:2 है, यदि एक वर्ष के बाद कुल लाभ इतना हो तो इसमें बी का हिस्सा कितना होगा, ए सी और ए बी, ए अनुपात सी बराबर, ए अनुपात सी बराबर 2:1, उसके बाद ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर, ए बी कितना है 3:2 है, एक वर्ष बाद इतना है जैसे बी का हिस्सा कितना होगा, तीनों इसमें बिजनेस में है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अनुपात जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि ए बी 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 और बी सी करके हम लोग तीनों का अनुपात निकालते हैं, अगर दोनों में अलग अलग अनुपात हो तो इसको क्या करते हैं, सी अनुपात ए करते हैं, सी अनुपात ए, और इसको क्या करते हैं बी अनुपात ए, इसको करते हैं बी अनुपात ए, नहीं नहीं इसको करते हैं ए अनुपात बी, इसको रहने देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको गुना किया जाता है, इसको गुना किया जाता है, और इसको इससे गुना किया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 1:2 आएगा और 3:2 तो है ही, तो 3:6:4 आएगा, 3, 4 और 6 के बीच में किसके बीच अनुपात आएगा, ए बी और सी के बीच में अनुपात आएगा, लेकिन वो एक्चुअल ए नहीं होगा क्योंकि पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या, यहाँ पे देखिए पहली संख्या का रोल कौन निभा रहा है, वो निभा रहा है सी, दूसरी संख्या का रोल कौन निभा रहा है, वो निभा रहा है ए, और तीसरी संख्या का रोल कौन निभा रहा है, वो निभा रहा है बी। तो सी ए और बी के बीच में अनुपात इतना है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर करेंगे तो 6:4:3 आएगा, तो 6:4:3 आएगा किसके बीच में अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच में अनुपात आएगा। चलिए ए बी सी हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग निकालते हैं क्या कितना पैसा वो लेगा,
क्वेश्चन नंबर 36 है ना, चलिए 157 300 157 300 इसमें से हमको किसका निकालना है, बी का पार्ट निकालना है, बी का कितना है 4 है, तो 4 × 4 = 13 13 × 13 = 27 13 × 26 = 13 4 × 0 = 4 12 × 4 = 48 48,400 किसका होगा, चलिए बिल्कुल सही है, मिल गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है, ए बी सी ने एक व्यापार 7:2 इतना का अनुपात मूलधन लगाया, 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी इतना वृद्धि कर दी, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो तो इसमें बी का हिस्सा कितना हो। अब देखिए तीनों के पूंजी के बीच अनुपात निकालते क्या होता है, 7/2। अब देखिए ये क्या है, 7/2 है ए की पूंजी, 4 महीने के बाद ये धन जो है इसका 4 महीने तक रहा है, इसके बाद इसका धन क्या होगा, 7/2 का 50% वृद्धि, क्या मतलब ये हो गया 150%, और ये रहा इसका मतलब 8 महीने तक रहा है, ये हुआ ए का पार्ट, ए का पूंजी इतना हो गया। अब देखते हैं बी का पूंजी, 4/3 तो इसका पहले से है, 4/3 इसका है पहले से, यदि वर्ष के अंत में इतना हुआ तो, अच्छा इसका बिल्कुल 4/3 है और ये है 12 महीने तक, फिर अनुपात 6/5, ये है भी है 12 महीने तक, 4300 का हुआ है, तो इसमें बीच निकालिए कैलकुलेट करके, 2 × 4 ये 150% है यहाँ पे, 50 × 50 = 2 × 2 = 2 अब क्या हुआ, 7 × 14 14 3 × 6 = 42 42 × 14 = 56 तो 56:3 = 12 4 × 16 16:5 72/5 72/5 है। अब क्या करना है, 5 से समय गुना करना पड़ेगा, ये कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि इसको आप आपस में कटा सकते हैं, तो किससे कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, 8 × 7 = 56 8 × 16 = 72 अब क्या कर दिए, 5 हो गया यहाँ पे, इस 5 को तीनों में आपको गुना कर दीजिए, तब आप ये 1 लीनियर में आ जाइए, 51 होनी चाहिए, तो 5 × 7 = 35 5 × 10 और अनुपात और यहाँ पे 9 इतना हो जाएगी आपकी। तो अब देखिए 35:10:9 है, अब इसको हमको निकालना है, हमको B का पार्ट निकालना है, B का कितना हिस्सा आएगा, यहाँ पे देखिए B का हिस्सा कितना आ रहा है, 10 यानी 10/35 10 45 9 54 यानी 10/54 इसको भी कर सकते हैं, 5/27 यानी कि टोटल लाभ कितना है, यहाँ पे देखिए 5/27 हमको मिल चुका है, अब देखिए यहाँ पे कितना लाभ है, 43,200 43,200 × 5/27 5/27 अब देते हैं इसको कटा करके, 3 × 2 = 5 9 ये 9 से कटेगा, तो 9 × 3 = 27 फिर 9 × 4 = 36 36 9 × 8 = 72 फिर कटेगा 3 से 16 × 3 = 48 यानी कि 1600 16 × 5 = 80 0 0 यानी आपका 8000 जो हो किसका भाग होगा, वो होगा बी का भाग। चलिए इस तरह से बनाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है यहाँ पे, ए बी तथा सी ने 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई, 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, कुल 8470 के वार्षिक लाभ में ए का भाग कितना होगा, तो ए है 1/3 इसका पूंजी जो है
चार महीने के बाद ए ने लगाई, तो यानी कि एक बटा तीन जो पूंजी है ये चार महीने तक रहा है, चार महीने तक रहा है। उसके बाद क्या होता है, इसने आधी पूंजी इन्होंने निकाल ली, यानी कि एक बटा तीन का आधा निकल गया, यानी कि अब आधा ही बचा है, और जो कि रहा कितने महीने तक, अब एक साल में से चार महीना इधर निकला तो बचा कितना, आठ महीने, ये रहा है आठ महीने। ये रहा ए का पूंजी, यानी ये रहा ए का बिजनेस। अब देखते हैं बी का बिजनेस क्या होता है, एक बटा चार और एक बटा पाँच जो है पूरे एक साल तक रहता है, एक बटा चार और एक बटा पाँच जो है ये पूरे वर्ष रहता है। तो यहाँ पे इसको हमको 12 से गुना करना पड़ेगा, और एक बटा पाँच ये भी हमको 12 से गुना करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका इक्वेशन, 84-17 लाभ में से ए का भाग निकालना है, हमको ए का हिस्सा निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं, तो 4/3 + 4/3 यानी कि 8/3 आपको यहाँ पे आएगा। इस दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8/3। तो इसको मिटा करके यहाँ पर हम लिखते हैं 8/3 अनुपात, ये वाले कितना आएगा, 4 × 3 = 12 यानी कि 3 अनुपात 12/5 ये सबको वन लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, 5 × 3 = 15 सब में गुना कर देते हैं। तो 8 × 5 = 40 यहाँ पे देखिए 8/3 है, और फिर ये आया कितना, 15 × 45 अनुपात, फिर ये 5 × 3 = 36 40, 45 और 36 के अनुपात में आ जाएगी। हमको किसका निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है, जो कि होगा 40/ तो क्या आएगा, 4 × 4 = 8 × 3 = 11 × 12 = 5 = 11 121 गुना 8470 टोटल हुआ। ये 11 से कट पाएगा क्या, कट जाएगा, 11 से 70 तो 7 × 28 यानी कि ये 2800 रुपया होगा, किसका पार्ट, किसका हिस्सा में होगा, ए के हिस्सा में। क्वेश्चन नंबर 39 देख क्या कहता है, ए बी सी ने एक कार 2080 में खरीदे किराए पर ली तथा इसे क्रम से 14 घंटे 16 घंटे 22 घंटे प्रयोग किया, सी को कितना किराया देना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से वो यूज करेगा उसी हिसाब से किराया देना पड़ेगा, 14, 16 और 22 14 अनुपात 16 अनुपात और 22 के अनुपात में इन्होंने ए बी और सी ने यूज किया उस कार को। तो इसके बीच में अनुपात अगर निकालेंगे 2 से कटेगा, तो 7:8 / 11 के अनुपात में है, किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का किराया देना पड़ेगा कितना, तो 11/8 = 15 × 11 = 26 तो इतना गुने कितना रुपये पर लिया है, 2080 पे वो लिया है। ये आपस में कटेगा पूरा पूरा, तो कटेगा कितना से, 2 से अगर कटाएं 213 × 10 = 40 13 × 93 = 104 80 × 11 = 88 यानी कि 880 रुपया किसको देना पड़ेगा, वह है सी को, जो कि आपका होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मोहन ललन और नवल 700 में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिया, यदि वे लोग क्रम से 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इसका प्रयोग करें तो नवल को कितना किराया देना पड़ेगा, 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे इसका प्रयोग किया 700 रुपये में। तो देखिए ये आएगा 3:5/6 ले लेते हैं, जो कि कौन कौन है, मोहन ललन और नवल किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है किसका, नवल को, यानी कि 6 वाला पार्ट को, 6/6 = 3 = 14
अगुना कितना में लिया था हिस्सा? और ये 700 रुपये में लिया था, तो 14 × 75 5×30 यानी आपको कितना 300 रुपया, जो कि किसको देना पड़ेगा? नवल को। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 800 में किराए पर लिया। ए उसमें 50 गाय 2 महीने तक, बी उसमें से 80 गाय 50 गाय 2 महीने तक, बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक, 80 गाय 5 महीने तक, तथा सी उसमें 60 गाय और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है, यानी कि 60 गाय प्लस 30 बछड़ा जो कि 4 महीने तक चराता है, 4 महीने तक चराता है। यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़ा, यानी कि 30 बछड़ा है, तो 30 बछड़ा कितने गाय के बराबर है? तो देखिए 60 गाय चराया प्लस में 30 बछड़ा चराया, तो 30 बछड़ा जो है एक यानी कि 2 बछड़ा जो है एक गाय के बराबर खाना खाती है, तो 30 बछड़ा मतलब कि 15 गाय, तो 60 में 15 जोड़ सकते हैं हम, यहाँ पे 75 लिख लेते हैं। चलिए आई बात समझ में, 75 इस अनुपात में उसका लगेगा पैसा। तो अब इसको हम आपस में कटा भी सकते हैं, किससे कटेगा? जो तीनों में कटेगा उसी को कटा सकते हैं हम लोग। तो 5 से कटेंगे, 5 10 है, 5 से कट जाएगा 15 × 5 = 75। अब ये कौन से कटेगा? अब ये 2 से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। अब देखते हैं 10 × 20 अनुपात 80 अनुपात 15 × 4 = 60, फिर ये कटेगा 20 से, 20 से कम 20, 20 × 4 = 80 और 20 × 3 = 60, यानी 1:4:3 के रूप में है। तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? तो 3/4 × 7 = 8 आगुन है। कितना में लिया था? 800 में, तो 100 यानी कि 300 रुपया देना पड़ेगा किसको? सी को। चलिए ठीक है, और अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तीन ग्वाले ए बी सी मिलकर एक चारागाह 1095 पर किराए पर लेते हैं। ए अपने 10 भैंसे 20 दिन चराता है, बी अपने 30 भैंसे 8 दिन चराता है, तथा सी 16 भैंसे 9 दिन चराता है, बी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा? देखिए 10 भैंसा 20 दिन अनुपात, बी जो है 30 भैंसा 8 दिन और सी जो है 16 भैंसे 9 दिन वो चराता है, बी को कितना किराया देना पड़ेगा, यानी इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कटा करके, जो तीनों कटेगा उसी को कटा सकते हम लोग। तो फिलहाल में तीनों को 4 से कटेगा, 4×5 = 20, 4 × 2 = 8, 4×4 = 16। अब देखते हैं 10 बजे 50 अनुपात 60 अनुपात 9×36, ये 2 से कट सकता है, तो 25 अनुपात 30 अनुपात और 18 किसका हमको निकालने का है? हमको निकालना है 20 का, यानी कि 30/25, 30, 55 और 18, 8×5 = 73 अगुना, गुना करना है 1095। पांच बार में चलिए, ये 15 टाइम में कट गया, अब 15 × 3 = 45 यानी कि 450 रुपया। ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन।